संसद के उच्च सदन राज्यसभा में चौधरी चरण सिंह को लेकर काफी हंगामा हुआ। आरएलडी चीफ और राज्यसभा सांसद जयंत चौधरी ने जब सदन में बोलना शुरू किया तो विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर सवाल खड़ा किया। जयंत चौधरी अपने दादा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने को लेकर बोल रहे थे। वहीं आरएलडी चीफ ने कहा कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से सम्मानित करने का फैसला एक बड़ा निर्णय है। कल इस घोषणा के बाद लोगों ने दिवाली मनाई है। किसानों ने कनॉट प्लेस में मिठाइयां बांटी। इससे यही पता चलता है कि यह फैसला सिर्फ उनके परिवार तक ही सीमित नहीं था बल्कि किसानों को मजबूत करने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि इस सरकार की कार्यशैली चरण सिंह की कार्यशैली को दर्शाती है। कोई मजबूत सरकार ही चरण सिंह को भारत रत्न दे सकती थी। खास तौर से देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का फैसला लिया, जो उन्होंने पहल ली, ये एक बहुत बड़ा फैसला है। ये सर्वविदित है कि मैं प्रसन्न हूंगा। सभापति जी, मैं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से आप भी गदगद हैं, लेकिन ये भाव सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं, इस सदन तक सीमित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि कल देश के हर कोने में आपके निर्णय की गूंज पहुंची है। गांव-गांव में दिवाली मनाई गई है। जब चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे, गांव के लोग गुड़ और मिठाई लेकर दिल्ली आए थे बांटने के लिए, अपनी खुशियों को बांटने के लिए और इजहार करने के लिए। उसी तरीके से कल भी कनॉट प्लेस में किसानों ने गुड़ बांटा है। ये दिखाता है, दर्शाता है कि ये फैसला सिर्फ चौधरी चरण सिंह जी के लिए परिवार तक सीमित नहीं है। देश का किसान का मेरा वर्ग, देश का वंचित समाज का व्यक्ति, वन सेकंड, उनको सशक्त करने वाला फैसला।